सुप्रभात बहनों, कक्षा एकादश जामुन का पेड़ आगे देखते हैं। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कोल्हे पर पड़ा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो उसे मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेत प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंगपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ा था। उसने लिखा है, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम उच्च स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने की वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जाँच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आ भरकर धीरे से बोला, यूँ तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने कलर्क ने हेड क्लर्क को, थोड़ी देर में सेक्रेट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लोन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उनको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेट की सब कमेटी ने फैसला किया, क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि ये कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी की सेक्रेटरी के पास पहुँची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी से सवार होकर सेक्रेटरीट पहुँचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा।
क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह है ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी आदमी अकादमी के मेंबर हो, सेक्रेटरी ने पूछा। उसने उत्तर दिया, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी ने जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी पर का मेंबर नहीं। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि कैसे अधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आँखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे ज़िंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग कल्चरल से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवा से नहीं आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है, इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने को जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुड़ाली लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग में हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात की काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्ला, दूसरे ओर से दो राज्यों का संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उसकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। कभी को मर जाना चाहिए निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी, उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी।